एक और सिंगर की बात करें तो आपके बहुत सारे फैंस ने ये कहा है कि राहुल के साथ आपकी बॉन्डिंग जो देखी है उनको कभी लगा नहीं था ये हाँ पॉसिबल होगा, आपके यू नो पिक्चर्स एंड वीडियोस विद हिम आ गए एंड लोग शॉक्ड हो गए, तो उसके बारे में कुछ बताइए। राहुल सी हमेशा से मेरा दोस्त था. ऑब्वियसली बिग बॉस में हम क्लोज हुए थे. आई विल ऑलवेज हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर राहुल वैद्य एंड इवन ही इज अ स्वीट फ्रेंड ऑफ माइन. हम मतलब हमारी बॉन्डिंग अच्छी, वो मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं. इवन इफ आई एम सैड या कभी कुछ मेरे से हो नहीं रहा है, ही इज द ओनली वन हु लुक्स एट मी एंड ही इज लाइक कि निकी इज डिप्रेस्ड या निकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो ही नोज मी टोटली इन एंड आउट, वो मुझे जानते हैं. और मतलब यार बिग बॉस में हमारी लड़ाई झगड़े होते थे क्योंकि वो घर ही ऐसा है, यू नो यू कांट बी काम. वो होता है, यू नो यू गेट पजेसिव फॉर योर फ्रेंड्स एंड देन झगड़े होते हैं एंड देन ये नॉमिनेशन ये वो, तो वो होता है. बट खतरो इज नॉट लाइक दैट. क्या होता है बिग बॉस के जैसे लोग बाहर आ जाते हैं, वी डोंट वांट टू कैरी फॉरवर्ड जो था बिग बॉस में, यू नो. तो नाउ एवरीथिंग इज गुड. ही हैज बीन अ ग्रेट सपोर्ट मेंटली ऑल्सो फॉर मी इन खतरो. नाउ एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड फैंस डू लव आर बॉन्ड, यू नो. जी तो या बस हमको फैंस फैंस का भी तो ख्याल रखना है ना.